लेगी। कहाँ थे भाई? क्या चिल्ड्रन बच्चे खेल के बच्चे खेलते हैं, हम बड़े बच्चे के। और इधर भी बहुत सी, अभी फाइनली पहुँच चुके हैं लखनऊ के ये उमराव मॉल में, और धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, चेहरा दिख ही नहीं रहा इतना ज़्यादा, क्योंकि बाहर ही थे। तो हमने सोचा आप लोगों को एक अच्छी जगह का नज़ारा दिखाते हैं। जो भाई ये है अपना उमराव मॉल, जो कि निशादगंज में है। ये सब तो बाहर से इतना प्यारा बना रखा, तो फिर अंदर की क्या बात है। और अंदर की लोकेशन तो जितनी प्यारी कह सकते हो उससे ज़्यादा ही है। अभी लूलू मॉल गए नहीं, लेकिन हमें लग रहा है लूलू मॉल इससे अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक तारीफ क्या करें, क्यों भाई साहब? तो अभी अंदर हो चुके हैं, अंदर का भी तो तुम्हें सब दिखाएंगे ही, क्योंकि नॉर्मली हमारा क्या है, मैं चाहता हूँ जहाँ आप जहाँ ना पहुँचे कोई वहाँ पहुँचूँ मैं, और जहाँ मैं पहुँचूँ वहाँ पहुँचो तुम, तो इसलिए दिखाते रहते हैं। इधर चलना है कि उधर? तो भाई कुछ अगर लेना हो तो आप बोल सकते हो, मैं आपके लिए खरीद लूँगा, बाद में आपको अपडेट कर दूँगा। क्यों इधर क्या हॉरर हाउस में जाओगे भाई? फिलहाल अंदर कैमरा वैमरा लाना कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ ला सकते हो फुल्ली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और अभी सामने हमारे हॉरर हाउस क्या ना, ऐसे देख ले भाई, जिसको डर ना लग रहा हो इसको आ सकता है, यहाँ पे फुल एंजॉय कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं, फुल मज़े हैं भाई। अब मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ कुछ यहाँ की रौनक। कौन सा फ्लोर पे आ गए भाई? तभी हम लोग ख़त्म, फ्लोर ख़त्म हो चुके हैं, ऊपर टीन पड़ी हुई वहाँ चुके बैक कैमरे भाई। ये सब बच्चों के लिए की कहाँ थे भाई? क्या चिल्ड्रेन बच्चे खेलते ये बच्चे खेलते हैं, हम बड़े हो चुके। और इधर भी बहुत सी चीज़ें हैं, वैसे हम भी बच्चे हैं, लेकिन अब क्या करें, हम लोग क्या सिर्फ बहुत बच्चे ही खेल सकते हैं, जो छोटे हो हमसे, छोटे बच्चे हम लोग भी हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं ना। देख लो यार कभी आओ, बहुत ही प्यारी जगह है यार। मैं ना अभी दिखाता हूँ किस कौन से फ्लोर पर अभी है, और यहाँ पे भीड़ तो देख ही सकते हो, वो अलग बात कि हम लोगों ने भी मुंह तक नहीं बोला। ये सब नीचे के नज़ारे हैं, और सर ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाया, लेकिन अच्छा कह सकते हो, क्यों बना बहुत अच्छा ही रखा है, तो अच्छा खासा पैसा लगाया गया है। अब हर चीज़ बड़े से नहीं होती, अच्छी होनी चाहिए हमारी तरह। क्यों भाई कुछ और बोलना हो तो बताओ यार, तुम्हारे बढ़िया एक भाई। अब क्या बोले, हम थक गए हैं शूट पे, गेम जोन में है ना, अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। अब हमें लग रहा है हज़ार या कितना 6,000 रुपये बर्बाद ही हो जाएंगे, निकल नहीं पाऊँगा मैं। मैं तो सोच रहा था कि ले लेता हूँ। अबे नहीं, मैं तो सोचता यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि अगर आज गेम खेल लिया ना तो भाई लूलू मॉल हम लोग जा नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ की जो लाइटिंग है यार वो बहुत तगड़ी लग रही है, लग रहा शॉर्ट फिल्म यही एक शूट कर देता हूँ। और भाई बच्चे देखो क्रिकेट खेलने क्या है यार, फील्ड लोगों की जगह ज़मीन में ख़त्म हो गई, जो बच्चे यहाँ खेल रहे। हम लोगों के टाइम देखो आदमी बाहर फील्ड में मज़े ही मज़े करता था, वो तो गेम के नाम पे ऐसे गुमराह किया जाता लोगों को। राशिद खान बॉलिंग करने के लिए आया, वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर, और इधर हमारे विराट कोहली जी तैयार हो रहे हैं, तो अभी देखते हैं कितनी क्या बताएं, गाली नहीं देंगे, क्योंकि फैमिली व्लॉग ना होता ना तो भाई इतना कर आता मैं। विराट कोहली, ये विराट कोहली है भाई, क्रिकेट कोहली, तो भाई जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है। अब देखते हैं भाई साहब कितने चौके छक्के लगा देते हैं, और राशिद खान जी हमारे सामने से तैयार हैं। ये आएगा और ये निकली, ये भाई सौरभ, अब ये देखो भाई ने लगाया बी एस एन एल के भाई के लेते हैं, और ये राशिद खान जी इधर से देखे, ये देखो तैयार राशिद खान, और इधर अपना विराट कोहली, ये देखो विराट कोहली ने मार दिया चौका, लग रहा था मुझे ही लगेगा, लेकिन मैं भी बच गया, और भाई अपना फॉर्म में चलते हैं दूसरी तरफ, नहीं तो भाई बन जाएगा पूरा। क्यों तैयार भाई का पूरा मूड है गेम खेलने का, लेकिन पैसे बहुत हैं, लेकिन पैसे देने का मन नहीं है, बात ये है ना। तुम लोग लेकिन गेम देख सकते, बताओ कुछ अगर मन आएगा तो खेलेंगे, आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम खेल लेंगे। क्यों घोड़े वोड़े गधे वधे सब, लेकिन ये सब बच्चों वाले लग रहे हैं यार। हमारा गेम तो आप जानते इस टाइम पर कौन होना चाहिए, ये गेम हम खेलेंगे क्या यार? क्यों भाई तैयार भाई, ये गेम हम लोग खेलेंगे क्या? हम लोगों का तो पता है तुम्हें कौन सा गेम आजकल होना चाहिए, ये तो है, ये खेल सकता था लेकिन अभी मूड बदल चुका, बाद में खेलेंगे। भाई के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो रखा, क्या लेना चाह रहे हो भाई? रिलायंस डिजिटल में जाके अभी भाई सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत पैसा खर्चा कर देना, ये रिलायंस डिजिटल में जाके वॉच खरीदने का उसका मन बन रहा है। अभी लाखों करोड़ों रुपये की बात रहती है, लेकिन भाई लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो फिलहाल इतना हो गया भाई, ये सब सस्ता लगे, तो सस्ता ही लग रहा है यार।
लेकिन हाँ गरीबी है भाई, कोई बात नहीं। देखो यार मैं क्या ना भाई, लोगों की तरह बाकी जितने व्लॉगर उनकी तरह रोता नहीं हूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ, सब्सक्राइब करो ये दुनियादारी। आपका दिल करे तो सब्सक्राइब करो, वरना मजे करो, कोई दिक्कत नहीं। पैसा ऊपर वाले ने बहुत दे रखा है। क्यों पैसा? हाँ भाई ऊपर वाले ने बहुत दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पता है क्या, दूसरे मतलब सेकंड फ्लोर पे इनके पापा रहते हैं ना। हाँ सेकंड फ्लोर कर ही लिया, अभी ना सोच रहा हूँ उमराव में ही कोई बिजनेस डालते हैं। अरे अरे अरे, लेकिन भाई मेरा मेन मतलब था इतना पैसा फूक के यहाँ आने का, सिर्फ एसी की हवा खाना। तो एसी इनकी बड़ी स्लो चल रही है, इसलिए मेरा मूड हो गया ख़राब। भाई का भी मूड ख़राब है थोड़ा, वो तो ख़राब होगा ना। तो अभी यहाँ से निकलते हैं भाई, अब जा रहे घर। लेकिन मज़ा बहुत है, उसे तारीफ करने लायक है। हम तो कहेंगे भाई एक बार ज़रूर आए अगर आपको टाइम मिले तो, अगर बाकी आपकी मर्जी आना चाहें तो ठीक है, वरना खुश रहें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे हर आदमी उसी के मजे हैं भाई जिसका कुछ है। मेरा तो कोई सीन ही नहीं भाई, खाओ पियो मित्रों, ऐश करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वैसे आप लोग हमारा चेहरा देख के बोर तो नहीं हो गए? अगर बोर हो गए तो कमेंट में बताएं। तो हम इस चेहरे पे प्लास्टर प्लास्टिक की कराते परत। चलो यहाँ से फिलहाल तो हम निकलते हैं यहाँ से ना।